वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं गल करन जा रहे हैं ब्रह्म बिरती की अवस्था किसनों कहिंदे हन। ब्रह्म बिरती की अवस्था बहुत उच्ची अवस्था हुंदी है, इसकी प्राप्ति हर किसी नूं नहीं हुंदी। इस अवस्था ते वह पहुँचता है जो सेवा सिमरन विच लीन हो जाए जां जिसते गुरु की कृपा हो जाए नदर हो जाए। किसी विरले की झोली में यह दात पैंदी है। जिसकी ये अवस्था बन जाए वह मास खाना तो किते रहा उसका मन कीड़ी मारन तो भी डरता है। भाई कन्हैया जी दुश्मनों पानी पिला रहे सन तो गुरु कलगीधर पिता जी ने कहा कि तुसी दुश्मनों पानी क्यों पिला रहे हो। तो भाई कन्हैया जी कहिंदे गुरु जी कौन अपना कौन दुश्मन, मैनू तो सारे पासे तुसी आप बुक कढ के पानी मंग रहे लगते हो। इस करके क्योंकि भाई कन्हैया जी की ब्रह्म बिरती बन चुकी सी। इस तरह ही गुरु तेग बहादुर साहब जी जदों भाई मीहां जी दे नगर विच दीवान लाउण गए तो सतगुरु जी ने सिखां दीआं सेवा दीआं ड्यूटियां लगाईआं। तो भाई मीहां जी दी सतगुरु जी ने ड्यूटी लगाई कि तुसी खूह चों जल लिया के गुरु के लंगर विच जां संगतां दे इशनान वाले चुबच्चे विच जां जिथे जिथे भी पानी की जरूरत होई उत्थे जल की भरपाई करनी है, भाव के तुसी उत्थे उत्थे पानी पहुँचाना है। भाई मीहां जी ने सत बचन कह के एक पित्तल की गागर सीस ते बन ली। तो भाई मीहां जी ने अरदास कीती हे सतगुरु ये गागर ढोन की आप ही सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के सेवा लैनी। भाई मीहां जी दे जल की गागर ढोंदया ढोंदया सिर विच जख्म हो गए, पर ब्रह्म बिरती विच पहुँचे हुए भाई जी ने सिर उपर बिन्नू बन लिया जिस नाल के जख्म चुभे ना। जिस दिन दीवाना की समाप्ति हुई उस दिन ही ये बिन्नू सिर तो लावांगा, उन्होंने अपने मन विच सोचिया, क्योंकि सेवा विच नागा ना पै जावे उन्होंने दिली इच्छा ये सीगी। जद ढोंदे रहे एक दिन बिन्नू लाया तो उस जख्म विचों कुछ कीड़े जमीन ते डिग पए। माता नानकी जी ने देख के सतगुरु जी नूं बेनती की कि तुहाडा प्यारा सिख भाई मीहां जिसनों इतना रंग लगा है सेवा दा जल दी सागर ढोंदया उसके सिर विच जख्म हो गए हैं ते जख्म विच कीड़े चल रहे हैं। सतगुरु जी ने भाई मीहां जी नूं बुला के आख्या कि भाई मीहां तेरी सेवा गुरु घर विच प्रवान हो गई है, तुसी सिर दे जख्म दा इलाज कराओ ते गुरसिखी दा प्रचार। तां भाई मीहां जी कहिंदे सतगुरु मैं इलाज नहीं करवा सकता क्योंकि जख्म दा इलाज कराउण नाले कीड़े मर जाणगे। ये किन्नी प्यारी अवस्था है ब्रह्म बिरती दी। सतगुरु जी कहिंदे भाई मीहां असीं बचन करदे हाँ जितने भी ये कीड़े मरनगे ये मनुखा जन्म लैके तेरे सेवादार बनगे। इस नूं कहिंदे हन कि ब्रह्म बिरती विच एक भी कीड़ा मेरे कोलों ना मरे ये सोच बन जाती है। जिस दी ब्रह्म बिरती बन जावे वो रब दे जीआं नाल प्यार करता है, वह रब दे जीआं विच्चों ही रब नूं पा लैंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।